आपको स्वागत है। आज हम 3 दिसंबर के ईश्वर वरदान की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। 3 रेखाएं जो कि सबसे महत्वपूर्ण रेखाएं होती हैं, कहते हैं कि मस्तिष्क पर, अपने माथे पर या निधार पर, ये 3 रेखाएं जो कि बता सकती हैं कि आपकी किस्मत कैसी है। ये 3 रेखाएं अगर टूटी हुई हों तो फिर किस्मत फूटी कहते हैं, लेकिन अगर 3 रेखाएँ अगर मस्तिष्क पर सीधी हों और वो सीधी रेखाएँ होने इसका मतलब ही है कि आपने जो कर्म किए हैं आपके पास्ट में और आप जो अभी कर्म कर रहे हैं और जो आगे जाके कर्म करने वाले हैं और उसके जो फल मिलने वाले हैं आपको वो बहुत ही सुंदर मिलने वाले हैं। तो आज परमात्मा पिता हमें इन 3 रेखाओं के बारे में बताते हैं। 3 रेखाएं हमारा भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल को दर्शाती हैं। और परमात्मा कहते हैं कि जब तुम मुझे पा लेते हो, जब तुम मेरी अनुसार मेरी राह पर चलना शुरू करते हो, तो तुम्हारी 3 रेखाएँ सीधी होनी शुरू होती हैं। और परमात्मा हमें विजडम या विवेक, जिसको कहते हैं इल्म और धर्मों में, या ज्ञान, ये विवेक, ये इल्म, ये ज्ञान, ये स्पिरिचुअल नॉलेज, इसके द्वारा हम अपनी किस्मत की रेखाओं को सीधा कर लेते हैं। तो देखें परमात्मा कहते क्या है और उसको करना कैसे सीधा। परमात्मा कहते हैं याद और सेवा द्वारा परमात्मा को याद करना, जिससे कि हमने जो टेढ़े कर्म किए हुए हैं पिछले जन्मों में और इस जन्म में, वो सीधे होने शुरू हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पाप कर्म मिटने शुरू हो जाए। एक हो गया याद और दूसरा हो गया सेवा। सेवा क्या करनी है? परमात्मा जो हमें ज्ञान दिया हुआ है उसको हम औरों को भी समझाएं, ताकि वो भी अपने भाग्य की रेखाएं सीधी करें। और अपने भाग्य की रेखा जब वो सीधी कर लेते हैं, उनका जीवन जब सफल होना शुरू होता है, तो वहाँ से हमें बतुओं की जगह जो हमने पहले कमाई थी उसकी जगह हमें बतुआएँ मिलनी शुरू होती हैं। तो एक तरीके से आप कहेंगे कि ये 2 चक्के हैं, याद का चक्का और सेवा का चक्का, और आपकी जीवन रूपी मोटर गाड़ी चलनी शुरू। कोई भी एक चीज़ अगर आप नहीं करेंगे तो फिर गाड़ी नहीं पड़ेगी, धक्का मारना पड़ेगा। इसलिए परमात्मा तो कहते हैं याद और सेवा द्वारा अपने भाग्य की रेखा श्रेष्ठते श्रेष्ठ बनाने वाले भाग्यवान भवा। ब्राह्मणों की जन्मपत्री में 3ों ही काल अच्छे से अच्छे हैं। 3ों काल मतलब भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। जो हुआ वह भी अच्छा, और जो हो रहा है वो और अच्छा, और जो होने वाला है वह बहुत बहुत अच्छा। इसमें कंडीशन अप्लाई है। कंडीशन ये है कि प्रोवाइडेड आप परमात्मा की दी हुई गाइडेंस के अनुसार चल रहे हैं और फुक फुक कर कदम ले रहे हैं कर्मों में। फिर परमात्मा कहते हैं सभी के मस्तक पर श्रेष्ठ तकदीर की लकीर खींची हुई है। मस्तक पर श्रेष्ठ तकदीर की लकीर खींची हुई है। सिर्फ याद और सेवा में सदा बिजी रहो तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारी लकीरें सीधी होनी शुरू हो जाएंगी। पाप कर्म हमारे जो थे पास्ट के वो खत्म होने शुरू होंगे। याद से, परमात्मा की याद से, उनके अंदर वो शक्ति उन्हीं के अंदर है, कोई मनुष्य नहीं कर सकता ये। और दूसरी चीज, सेवाओं से हम दुआएं कमाएंगे। तो ये 2 चीजें करने से हमारी लकीर सीधी होनी शुरू। फिर ये दोनों ऐसे नेचुरल हो जैसे शरीर में श्वास नेचुरल है, जैसे खाना भी जो है किसी को बता नहीं पड़ता कि भूख लगने वाली है, या खुद याद आ जाता है। कपड़े पहनने, ठंडी हो रही है, स्वेटर पहननी है, जैकेट पहननी है, किसी को आपको याद नहीं जाना पड़ता। उसी तरीके से ये नेचुरल हो जाए परमात्मा की याद और सेवा करना, तब जा करके जीवन हल्का होता जाएगा और पिछले जन्मों के जो पाप कर्म हैं, कहते हैं ना पता नहीं क्या किया था, वो हल्के होंगे। और जैसे हल्कापन आएगा हर कार्य आराम से होना शुरू हो जाएगा। यही निशानी है। और ऐसे ही लाखों लोग ब्रह्म कुमारीज में आकर के ये सारी चीज़ें अनुभव कर रहे हैं और अपने आप को हल्का पा रहे हैं। फिर परमात्मा कहते हैं ये दोनों ऐसे नेचुरल हों जैसे शरीर में श्वास नेचुरल है। भाग्य विधाता बाप, परमात्मा क्या हुए, भाग्य विधाता बाप। किसके बाप? ज्ञान देने वाले बाप, ज्ञान के पिता, शक्तियों के पिता, आनंद के पिता, शारीरिक पिता थोड़ा हो सकते हैं। बाप ने याद और सेवा की यह विधि ऐसी दी है जिससे जो जितना चाहे उतना अपना श्रेष्ठ भाग्य बना सकते हैं। बस ये 2 चीजें करनी है, ज्ञान, इसको इल्म कहें, विवेक कहें, विजडम कहें, वो लेना है, अपने कर्म सुधारने हैं, और औरों की सेवा करना ही सबसे श्रेष्ठ कर्म है। याद के बाद में परमात्मा ने कहा है ब्रह्म कुमारी में, जब तुम मुझे याद करते हो तो तुम्हारी जो वाइब्रेशंस होती हैं वो
वृत्तियां जो होती हैं वो अहंकार से लेकर के नम्रता की तरफ परिवर्तित होती हैं। जो हमारे अंदर लोभ होता है वो संतुष्टता की तरफ परिवर्तित होता है। तो ऑटोमेटिकली हमारे जो कर्म होते हैं वो संतुष्टता और नम्रता से होने शुरू होते हैं, और ऑटोमेटिकली हमारे ऊपर चढ़े हुए बोझे जो थे पिछले जन्मों के वो हल्के होने शुरू होते हैं। और फिर यही चीज़ अगर आप औरों को सिखाएं तो वो भी जब हल्के होते हैं तो आप खुद भी उनकी दुआओं से हल्का होना शुरू होते हैं। ये करें कैसे, इसको सीखने के लिए ब्रह्म कुमारीज की शुरू विश्वविद्यालय में जाएं, 7 डे का कोर्स करें और आगे बढ़ें। इसके साथ हम शांति।